بسم الله الرحمن الرحيم. My name is Hafiz Muhammad Subhan and I will represent the topic of ferromagnetism, subject of symmetry and magnetochemistry. The key point of this lecture is Curie temperature, hysteresis, ferromagnetism, structure of magnetite. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है. क्यूरी टेम्परेचर इसी टेम्परेचर एट विच सर्टन मटेरियल्स लूज देयर परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, कुछ मटेरियल्स इस टेम्परेचर के ऊपर अपनी जो परमानेंट उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं मैग्नेटिक, उनको लूज कर देते हैं. और फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज फोर्सेस इन फेरोमैग्नेट्स आर वेरी लार्ज. थर्मल एनर्जी इवेंचुअली ओवरकम्स द एक्सचेंज एंड प्रोड्यूसेस अ रैंडमाइजिंग इफेक्ट. इनको उनकी जो डोमेन होती हैं वो रैंडमाइजिंग इफेक्ट देने लग जाती हैं, उनका ऑर्डर ख़राब हो जाता है. दिस अकर्स एट क्यूरी टेम्परेचर. बिलो क्यूरी टेम्परेचर द फेरोमैग्नेट इज ऑर्डर्ड. ठीक है, एंड अबव इट डिसऑर्डर्ड. द सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन गोज टू ज़ीरो एट क्यूरी टेम्परेचर. अब सैचुरेशन क्या होती है, सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन क्या होती है. सैचुरेशन इज़ द स्टेट रीच्ड व्हेन एन इंक्रीज इन अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट इंक्रीज द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल फर्दर. अब प्लॉट, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करना चाहें, एम वर्सेस टी, एम यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन है, टी यहाँ पे क्यूरी टेम्परेचर. फॉर मैग्नेटाइट इज शॉन एट नेक्स्ट स्लाइड. हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाकर इस ग्राफ को डिस्कस भी करते हैं. द क्यूरी टेम्परेचर इज़ अ डायग्नोस्टिक पैरामीटर, हाउएवर इट इज़ नॉट फूल प्रूफ. अरे इसकी वजह से हम काफ़ी मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को मालूम कर सकते हैं. ये एक डायग्नोस्टिक पैरामीटर हो सकता है, फिर भी ये इतना फूल प्रूफ नहीं है जैसे हम हमेशा इस्तेमाल कर सकें किसी भी मटीरियल की प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए. नेक्स्ट, ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और मैग्नेटाइजेशन. जब भी मैग्नेटाइजेशन का टेम्परेचर के साथ हम ग्राफ देखेंगे तो हमें एक रिलेशन नज़र आएगा और वो रिलेशन इन्वर्स होगा. यानी कि जिस तरह हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो किसी भी मटेरियल की जो मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टीज़ हैं वो कम होती जाएंगी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो फेरोमैग्नेट से ज़्यादा रिलेट करती है, वो है हिस्टेरेसिस. फेरोमैग्नेट्स रिटेन अ मेमोरी ऑफ एन अप्लाइड फील्ड वंस इट इज़ रिमूव्ड. ठीक है, अरे फेरोमैग्नेट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके ऊपर से जब हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उनको रिमूव भी कर देते हैं, फिर भी इनके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रहती हैं. दिस बिहेवियर इज़ कॉल्ड हाइस्टेरेसिस. अ प्लॉट ऑफ द एम वर्सेस एच. एच यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, और एम यहाँ पे क्या है, मैग्नेटाइजेशन. इज कॉल्ड अ हाइस्टेरेसिस लूप. एन अदर हाइस्टेरेसिस प्रॉपर्टी इज़ द कोहेसिविटी ऑफ रेमिनेंस. इसको हम एम आर से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज़ द रिवर्स फील्ड. ये एक रिवर्स फील्ड है विच जो क्या करता है, वन अप्लाइड एंड देन रिमूव. जब हम अप्लाई करते हैं और रिमूव करते हैं, रिड्यूसेस द सैचुरेशन रेमिनेंस टू ज़ीरो. सैचुरेशन मैं आपको पहले भी पीछे बता चुका हूँ, तो ये उसकी वैल्यू को ज़ीरो तक ले आता है. इट इज़ ऑलवेज लार्जर देन द कुरेसिव फोर्स. ये हमेशा कुरेसिव फोर्स से लार्जर होता है. रेमिनेंस एम आर इज़ द रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन. इसको हम रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन का नाम भी दे सकते हैं. नेक्स्ट, ये जो एम वर्सेस एच का जो ग्राफ है इसको हम हिस्टेरेसिस लूप भी कहते हैं. इस लूप से हमें क्या पता लगता है, अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी लर्न अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल बाय स्टडिंग इट्स हिस्टेरेसिस लूप. अ हिस्टेरेसिस लूप शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंड्यूस मैग्नेटिक डेंसिटी बी एंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच. इट्स ऑफन रेफर टू एज द बी एच लूप. इसे हम बी एच लूप भी कह सकते हैं. यहाँ के आप देख रहे होंगे पहले मैग्नेटाइजेशन जो है वो पहले इंक्रीज़ करती है और उसके साथ ग्राफ के साथ डिक्रीज़ भी करती नज़र आ रही होगी. उसके साथ आपको रेमिनेंस भी नज़र आ रही होगी. तो जी, इस ग्राफ से हमें ये पता लग रहा है कि अगर हम किसी मटेरियल पे मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट मैग्नेटाइजेशन उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इंक्रीज़ करती हैं, और अगर हम उस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो मैग्नेटिक फील्ड रिमूव होना शुरू हो जाता है. इसकी अगर आप क्लियर पिक्चर देखना चाहते हैं, कलर पिक्चर, तो वो मैं आगे आपको रेफरेंस में दूंगा, वहाँ से आप जाके इसे मज़ीद डिटेल में देख सकते हैं. द इनिशियल सक्सेसिबिलिटी इज़ द मैग्नेटाइजेशन ऑब्जर्व इन लो फील्ड्स
on the order of the Earth's field 5200 micro Tesla. The various hysteresis parameters are not solely intrinsic properties but are dependent on. कह रहे सिर्फ इंट्रेंसिक प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड नहीं करते बल्कि इसके अलावा भी कुछ फैक्टर हैं जिस पर ये डिपेंड करते हैं, जिनमें है ग्रेन साइज, डोमेन स्टेट, स्ट्रेसिस, टेम्परेचर, हाइस्टेरेसिस पैरामीटर्स आर डिपेंडेंट, ग्रेन साइज यूजफुल फॉर मैग्नेटिक ग्रेन साइजिंग ऑफ नेचुरल सैंपल्स। अब हम बात करते हैं कोर्सिविटी। अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटीरियल टू विद स्टैंड एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विदाउट बिकमिंग डी मैग्नेटाइज, यानी उसकी वो पावर है कि जब उस सब्सटांस से हमने मैग्नेटिक इंड्यूस जो हमने खुद दिया हुआ था उसको हटा दें तो उससे कितने देर तक वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड के जो प्रॉपर्टीज़ है या मैग्नेटाइजेशन जो प्रोसेस है उसको फॉलो रखता है, उस लिमिट को हम क्या नाम देंगे, कोरेसिविटी। Intensity of the applied magnetic field required to reduce the magnetization of that material to zero after the magnetization of the sample has been driven to saturation. Thus, normal coercivity measures the resistance of a ferromagnetic material to becoming demagnetized. यानी कि हम इसको simple resistance भी कह सकते हैं किसी भी ferromagnetic material की जब तक वो demagnetized नहीं होता। Measurement of coercivity. Oersted or ampere meter units and it is denoted by HC. A large value is the intrinsic coercivity which does not take into account the negative vacuum permittivity contribution to the magnetic field be only considering the magnetization. यानी कि हम इसमें सिर्फ magnetic field को consider करते हैं और जो vacuum permittivity है उसको ignore भी कर सकते हैं। There may be ambiguity between the two concepts and especially for strong magnets द डिफरेंस बिकम्स सिग्निफिकेंट। कह रहा है इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स जो डिफरेंस आता है इन दोनों का ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट रेयर अर्थ मैग्नेट्स लूज एक्चुअली ऑलमोस्ट नन ऑफ द मैग्नेटाइजेशन एट कोर्सिविटी। रिडक्शन ऑफ द फील्ड टू जीरो इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वैक्यूम परमिटिविटी टू द मैग्नेटिक। मैग्नेटिकली हार्ड एंड सॉफ्ट मटीरियल ऑन द बेसिस ऑफ हाइस्टेरेसिस एंड कोर्सिविटी। कह रहे हैं अगर हमारे पास कोई मटीरियल है जिसकी नॉर्मल कोर्सिविटी है तो वो क्या होगा, दी मैग्नेटो मोटिव फोर्स भी उसके अंदर पाई जाएगी। इंट्रिंसिक कोर्सिविटी इज यूज टू असेस द सेंसिविटी टू डी मैग्नेटाइजेशन। बी एच एनालाइजर और मैग्नेटोमीटर जो हम पीछे डिस्कस भी करके आए हैं हाइस्टेरेसिस लूप को हम क्या नाम देते हैं, बी एच एनालाइजर या मैग्नेटोमीटर का नाम भी देते हैं। मटेरियल्स विद हाई कोर्सिविटी मैग्नेटिकली हार्ड, कह रहे ऐसे मटेरियल जिनकी कोर्सिविटी बहुत ज़्यादा होती है वो मैग्नेटिकली क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं या हार्ड होते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स भी होते हैं। मटेरियल विद लो कोर्सिविटी, ऐसे मटेरियल जिनकी कोर्सिविटी वेरी लो होती है वो मैग्नेटिकली सॉफ्ट होते हैं। ट्रांसफॉर्मर, इंडक्टर कॉर्ड्स, रिकॉर्डिंग हेड्स, माइक्रोवेव डिवाइस, मैग्नेटिक शील्डिंग, इन सब के अंदर कोर्सिविटी फैक्टर को देखा जाता है। द अमाउंट ऑफ रिवर्स ड्राइविंग फील्ड रिक्वायर्ड टू डी मैग्नेटाइज इट इज़ कॉल्ड इट्स कोर्सिविटी। हम पीछे अच्छी तरह बात करके आ चुके हैं। ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजेशन विल ट्रेस आउट अ लूप कॉल्ड अ हाइस्टेरेसिस लूप। ये भी हम तो लूप पीछे लूप पढ़ के हैं, एम वर्सेज एच का मैग्नेटाइजेशन वर्सेज मैग्नेटिक फोर्स। रिट्रेसबिलिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन कर्व इज़ द प्रॉपर्टी कॉल्ड हाइस्टेरेसिस। वो जो कर्व हमने देखी थी बिटवीन बी एंड एच उसको हम क्या नाम देते हैं, हाइस्टेरेसिस लूप, या सिंपल उस कर्व को हम नाम देते हैं हाइस्टेरेसिस। वंस द मैग्नेटिक डोमेन्स आर रीओरिएंटेड इट टेक्स सम एनर्जी टू टर्न देम बैक। कोर्सिविटी इज़ यूजफुल एज अ मैग्नेटिक मेमोरी, यानी कि मेमोरी है, यानी कि जब हमने किसी भी चीज़ को मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो उसने कितनी देर तक उसको बर्दाश्त किया उसको हटाने के बाद, यानी को एक मेमोरी की शक्ल में उसके पास रहता है और उस मेमोरी को हम क्या नाम देते हैं, कोर्सिविटी। सम कंपोजिशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स विल रिटेन एंड इम्पोज मैग्नेटाइजेशन। परमानेंट मैग्नेट्स की कोर्सिविटी वैल्यू अच्छी होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे टेबल है जिसमें वो कुछ वैल्यूज दिखाएगा हमें। द हाइस्टेरेसिस लूप एज डिस्क्राइब प्रीवियसली इज प्लॉटेड एज एम वर्सेस एच।
Coercivity and remanence are described in Tesla. A quality factor for permanent magnets is the quantity, or iska unit maximum. A high value for this quantity implies that the required magnetic flux can be obtained with a smaller volume of the material, making the device lighter and more compact. इस टेबल में हमें कुछ मटेरियल नज़र आ रहे हैं, फिर उसकी उसने उसकी कोरेसिविटी वैल्यू दी है, रेमिनेंस वैल्यू दी है, और उसके बाद उसकी मैक्सिमम वैल्यू दी है। परमानेंट मैग्नेट्स, अ गुड परमानेंट मैग्नेट हाई मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो परमानेंट मैग्नेट अच्छे वाला है उसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा हाई होगी, लो मैस होगा, स्टेबल अगेंस्ट इन्फ्लुएंसेस, डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज आर रेमिनेंस, कोरेसिविटी। When a ferromagnetic material is magnetized in one direction, it will not relax back to zero magnetization when the imposed magnetizing field is removed. पीछे हम कई दफ़ा ये बात करके आ चुके हैं। The amount of magnetization it retains at zero driving field is called its remanence. The alloys from which permanent magnets are made are often very difficult to handle metallurgically. They are mechanically hard and brittle. They may be cast or ground, mixed with resin binders, and then compressed and heat treated. Maximum anisotropy of the material is desirable, and the materials are often heat treated in the presence of a strong magnetic field. The materials with high remanence and high coercivity magnetically hard. इनके ऐसे material जिनकी remanence value और coercivity value बहुत ज़्यादा होंगी वो magnetically hard material होंगे। Rare earth magnets. The permanent magnets which have produced largest magnetic flux with the smallest mass. एक ये बात है कि mass उनका small हो और जो magnetic flux की value वो ज़्यादा होनी चाहिए. Rare earth magnets based on samarium, neodymium. ये दो material हमारे पास ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं. High magnetic fields, lightweight magnetic levitation over superconducting materials. समेरियम कोबाल्ट कम्बिनेशन SmCO5 के फार्मूलाज का स्ट्रेंथ एंड स्मॉल साइज ऑफसेट द डिसएडवांटेज ऑफ देयर हाई कॉस्ट. न्यूडाइमियम मटेरियल्स लाइक दिस प्रोड्यूस कंपेरेबल परफॉर्मेंस, कॉस्ट अबाउट 1/10 एज मच. माइक्रोफोन्स एंड अदर एप्लीकेशन दैट एक्सप्लॉयट देयर हाई फील्ड एंड लाइट वेट. दो बातें आपने याद रखनी हैं कि कोई सी भी मटीरियल की अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अच्छी है तो उसका मैस लो होना चाहिए. The production is still quite costly since the raw alloy must be ground to powder, pressed into the desired shape and then sintered to make a durable solid. Next, magnetite Fe3O4 जो material था हमारे पास magnetic material है और I think ये first magnetic material था हमारे पास जो produce किया गया था. Magnetite Fe3O4 crystallizes with the spinel structure. इसका structure spinel होता है. The large oxygen ions are closed back in a cubic arrangement and the smaller iron ions fill in the gaps. यानी कि जो iron के ions होते हैं वो gaps में होते हैं और जो oxygen के larger ion होते हैं वो एक cubic structure में close packing के साथ होते हैं. The gaps come in two flavors. अब इन gaps के भी आगे two flavors हैं. Tetrahedral side होती है एक इनकी octahedral side होती है. Tetrahedral side में iron ion is surrounded by four oxygens और ऑक्टाहेड्रल साइड में आयरन आइन जो सराउंड होते हैं वो सिक्स ऑक्सीजन के साथ होते हैं. द टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल साइड्स फ्रॉम द टू मैग्नेटिक सबलेटिसेस ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. द स्पिन्स ऑन द ए सबलेटिस आर एंटी पैरेलल टू दोस ऑन द बी सबलेटिस. ये ए सबलेटिस अगर हम यूज़ कर रहे हैं उसके साथ बी यूज़ कर रहे हैं तो ए क्या होगा बी के पैरेलल होगा. द टू क्रिस्टल साइड्स आर वेरी डिफरेंट एंड रिजल्ट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एक्सचेंज इंटरेक्शन ऑफ द iron ions between and within the two types of site. The structure formula for magnetite is dash. This particular arrangement of cations on the A and B sublattice is called an inverse spinel structure. With negative AB exchange interaction, the net magnetic moment of magnetite is due to the B site Fe2+. Chemical composition of magnetite. Chemical composition of magnetite is Fe, यानी कि इसमें अंदर Fe2+ आयन भी होते हैं, Fe3+ आयन भी होते हैं और ऑक्सीजन के नेगेटिव आयन भी होता है. स्ट्रक्चर इज इनवर्स स्पाइनल विद O2- आयन्स फॉर्मिंग अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लिटिस. आयरन के आयन्स ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट. जो आयरन के आयन्स होते हैं वो गैप्स यानी कि इंटरस्टिशियल साइट्स पे पाए जाते हैं.
Half of the Fe3 plus cations occupy tetrahedral sites. Fe3 plus के जो आधे आइंस होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं टेट्राहेड्रल साइट्स को. अदर हाफ जो दूसरे हाफ होते हैं अलॉन्ग विद Fe2 प्लस, यानी कि Fe3 प्लस की कुछ आइंस Fe2 प्लस की कुछ केटाइंस ऑक्यूपाइंग ऑक्टाहेड्रल शेप को ऑक्यूपाई करते हैं. या आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, इसको आप मजीद क्लियरिफाई कर सकते हैं.